गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट सब्जेक्ट के लेके जानकारियाँ लेके आते रहते हैं। आज हमारे पास आपके लिए एक न्यूज़ है जिसमें KBS 2019 और 20 सेशन के लिए KBS स्कूलों में KBS भर्ती करने जा रहा है। और यह भर्ती मात्र इंटरव्यू पे है। और यह भर्ती मैं आपको बता दूँ, जो सेशन चल रहा है 2019 और 20 के सेशन के लिए भर्ती कर रहा है, जिसमें PRT की पोस्टें हैं, TGT की पोस्टें हैं, PGT की पोस्टें हैं, अदर वैकेंसीज भी हैं जिसमें आपके लाइब्रेरियन और अदर कुकिंग वगैरह में भी आ जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर के भी चीज़ें आ जाती हैं। तो आज इसकी नोटिफिकेशन पर बात करेंगे और इसकी नोटिफिकेशन के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप इसको जाकर डाउनलोड करके पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। और यह रिक्वायरमेंट एक बार ध्यान रखें, कल ओनली इंटरव्यूज़ बेस पर सिलेक्शन आपका है, आपका सिलेक्शन इंटरव्यू पे होगा। और यह कहाँ निकली, आइए इस सब चीज़ों पे हम बात करते हैं। देखिए, यह जो विज्ञापन आया हुआ है KBS रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन 2019 में, केंद्रीय विद्यालय नंबर वन में आया हुआ है। यह केंद्रीय विद्यालय नंबर वन RCF हुसैनपुर डिस्ट्रिक्ट कपूरथला, यह कपूरथला का विज्ञापन है। KBS के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर जिसको भी जाना हो यहाँ पर जाकर इंटरव्यू आप लोग दे सकते हैं। इस विज्ञापन में बेसिकली बात की गई है कि वॉक इन इंटरव्यू प्रिपेयरिंग सिलेक्शन पैनल इन एकेडमिक ईयर 2019-20 के लिए टीचर हैं। देखिए, यह विज्ञापन आप इसको पढ़ लीजिएगा। आइए हम पोस्टों पर बात करते हैं। और एलिजिबिलिटी KBS की क्राइटेरिया वही है जो इसके पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको बताया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी होगी, प्लेलिस्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वीडियो है, वहाँ आप देख सकते हैं। और ऊपर आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। सब्जेक्ट देखिए, इस सब्जेक्ट बात देख करते हैं किन किन सब्जेक्टों में विज्ञापन आया हुआ है। और यह इंटरव्यू आप लोग एक बार और ध्यान रखिएगा, 11 और 12 जून को कंडक्ट कराया जाएगा हुसैनपुर में, और आप लोग जाके इसको देख सकते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट में बात करें तो PGT हिंदी के लिए आया है। इसकी सैलरी 27,500 रहेगी। इसमें आपको सीधे मैं बता दूं, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, PG आपकी रहनी चाहिए 50% प्लस BEd, ये आपके PGT की पोस्टों के लिए रहनी चाहिए। ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा, PG पोस्टों 50% BEd। अब देखिए, मैं यहाँ पर लिखा भी है मास्टर डिग्री फ्रॉम विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 50% एटलीस्ट रहना चाहिए, और दूसरा BEd रहना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज डिजायरेबल है, और हिंदी इंग्लिश में आप दोनों जिसमें पढ़ा सकें, और आप लोग का मीडियम जो है मीडियम हिंदी और अंग्रेजी रहनी चाहिए, जिससे हिंदी इंग्लिश पढ़ाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब PGT इंग्लिश के लिए भी पद आए हुए हैं आपके लिए, PGT मैथ के लिए भी आए हुए हैं। सैलरी सबकी समान है, PGT पद की 27,500। देखिए, अब 27,500 इसके लिए भी क्राइटेरिया जो है 50% रहना चाहिए, 50% इसके लिए भी है, 50% यानी आपको समझ में आ गया होगा कि PGT पद के लिए 50% PG प्लस BEd रहेंगे तो आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर अनुभव प्रमाण पत्र है तो भी आप ले जाइएगा। इसकी लिंक मैं आपको इस विज्ञापन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे PGT इकोनॉमिक्स की आई हुई है, PGT फिजिक्स की आई हुई है, सैलरी सेम है। अब आगे चलते हैं, PGT केमिस्ट्री की आई हुई है, PGT केमिस्ट्री, PGT बायोलॉजी एंड सभी सब्जेक्टों में आई हुई है, PGT कॉमर्स, PGT कंप्यूटर साइंस। और देखिए, अब TGT आ गई, TGT इंग्लिश के लिए है, सैलरी 26,250, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है, PGT और TGT में सैलरी लगभग वही है। इसमें ग्रेजुएशन में TGT सब्जेक्टों के लिए ध्यान रखिएगा, आपके पास ग्रेजुएशन में रहना चाहिए 50%, यानी ग्रेजुएशन में 50% रहना चाहिए, और इंग्लिश तीनों साल पढ़े रहना चाहिए। इसके अलावा BEd आपके पास होना चाहिए, आप वही है मीडियम हिंदी या इंग्लिश में पढ़ाने में कोई आपको दिक्कत ना हो, प्रोफेशनशिप आपकी रहनी चाहिए। ठीक, TGT हम इंग्लिश की बात कर चुके हैं, आगे चलें, TGT हिंदी और TGT संस्कृत, और यहाँ पे बात कर लेते हैं TGT मैथ एंड TGT SST की भी आई हुई है, जिसमें आपको 50% और इसके साथ BEd भी रहना ज़रूरी है। इसके अलावा देख लेते हैं, साइंस की आई है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की आई है, और फिर प्राइमरी टीचर
आर्ट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर स्पोर्ट काउंसलर इन सब चीज़ों पे पद आया हुआ है। देखिए एक पंजाबी टीचर के लिए भी है, डॉक्टर के लिए भी है। देखिए यहाँ पे अगर आपने डॉक्टर MBBS हैं या आपने नर्सिंग असिस्टेंट में डिप्लोमा किया हुआ है तो नर्स और डॉक्टर के लिए भी, डॉक्टर के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया एसेंशियल क्वालिफ MBBS होना चाहिए आपके पास, और नर्स के लिए डिप्लोमा होना ज़रूरी है। इसके लिए आया हुआ है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, म्यूजिक टीचर के लिए भी आया हुआ है। और देखिए सबसे अच्छी बात, योगा टीचर जो योगा कोर्स अभी कर रहे थे उनके लिए योगा टीचर की भी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। ये सब चीज़ें हैं देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, या इसके नोटिफिकेशन आया हुआ आप लोग इसके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी योगा टीचर की वैकेंसी है जिसमें आप यहाँ पे आपने देखा इस विज्ञापन में TGT के लगभग सभी पद हैं, PGT के भी पद हैं और इसके अलावा कुछ अदर पद भी हैं। तो आप लोग अगर इंटरव्यू देना चाहें तो जाके दे सकते हैं। यह वीडियो बेसिकली इसी नोटिफिकेशन के बारे में था। ओके, अगर आपको वीडियो लाइक अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक वीडियो चाहिए तो मैं उसका भी आप डिमांड कर सकते हैं, उसको भी मैं बनाऊँगा। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।